Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our YouTube channel. Today we will talk about the study visa process in Canada. In this video, we will talk about the general introduction of Canada, the admission process, and in the admission process, we'll talk about the eligibility criteria and SDS program. And then we'll talk about what are the documents required. And after that, we'll talk about the financial worth and bank statement. And in the end, we'll talk about the intakes. So let's get started. General introduction of Canada. Canada's capital is Ottawa. It is the second largest country by area. It has 10 provinces and 3 different territories. The official language is English and French is also spoken widely in the country. The currency is Canadian dollars, as we all know, and the 3 metropolitan areas in Canada are Toronto, Vancouver, and Montreal. Now let's talk about why Annex consultants are promoting study in Canada. First of all, we'll talk about the academic excellence and quality of education. The quality of education in Canada is one of the best. This is one of the best quality of education you provide. And their academic excellence is that every year millions of students they apply in Canada for studies. तो जो लोगों को स्टूडेंट्स का रुझान है वो कनाडा की तरफ काफी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो टीचर्स हैं वो बहुत बहुत प्रोफेशनल है जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको स्टडी के लिए वो बहुत प्रोफेशनल है और जो इनके प्रोफेसर्स हैं दे आर हाईली ट्रेंड एंड हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड उसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो कि जब एक स्टूडेंट अपनी फ्यूचर के लिए जब कोई कंट्री डिसाइड करता है तो सबसे पहले उसके ज़हन में यही होता है क्योंकि हर तीसरे पाकिस्तानी की इंग्लिश पे कमांड होती है तो इसको अगर मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर अस क्योंकि यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है हमारे लिए इट इज़ ईजी फॉर अस टू मिंगल विद द पीपल एंड जस्ट कैच अप विद द एनवायरनमेंट अराउंड अस अगर हम बात करें तो वी हैव पार्ट टाइम वर्क अलाउड इन कनाडा जो कि स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा एक एज देता है उनकी स्टडी लाइफ के अंदर जब वो स्टडी कर रहे होते हैं क्योंकि जब स्टूडेंट ने यहाँ से काफ़ी जो है मतलब वन ईयर की जो फी डिपॉजिट करके जानी है कनाडा वहाँ जाके जब उसने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है उसके लिए उसे पार्ट टाइम जॉब्स ये करनी पड़ती हैं हर एक स्टूडेंट को क्योंकि अगर ये पार्ट टाइम जॉब का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो पीछे ऑब्वियसली उसको घर वालों को ही परेशान करना पड़ेगा जो कि कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है फिर किसी कंट्री में जाने का जब वहाँ पे वर्क अलाउड नहीं है स्टूडेंट को तो कनाडा के अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउड है पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड है जो आप कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं उसके बाद पार्ट टाइम वर्क से ही रिलेटेड अगला पॉइंट है कि आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन दे ऑल्सो गिव यू PSW पोस्ट स्टडी वर्क जो आपको बहुत हेल्प आउट करता है कि जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको फुल टाइम वर्क अलाउड होता है जिसको आप कंटिन्यू करके अपना फ्यूचर आगे जो है उसको ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं उसके बाद PSW के बाद आपको इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आप अपना PSW कंप्लीट करके यहाँ पे इमिग्रेशन भी ले सकते हैं उसके बाद कनाडा का जो एनवायरनमेंट है वो मल्टी कल्चरल है you won't just see Canadians, you will see Americans, Canadians, people from Asia, people from Middle East and people from some European countries as well. So एक multicultural environment बन जाता है कि जिसमें different cultures आपके इर्द गिर्द होंगे people from different cultures I must say. तो आपको जस्ट एक कल्चर लर्न करने का मौका नहीं मिलेगा डिफरेंट कल्चर्स को आप लर्न कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को आप स्टडी कर सकते हैं जो कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा बढ़ा तो कनाडा इज़ वन ऑफ द टॉप टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड और अगर टॉप टूरिस्टिक डेस्टिनेशन की बात हो रही है तो जो टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं जो कनाडा में वन ऑफ द माई फेवरेट्स इज नायग्रा फॉल्स एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर नेचुरल ब्यूटीज़ कनाडा हैज़ ऑल्सो मैनी नेशनल पार्क्स एंड वन ऑफ माई फेवरेट इज़ जैस्पर नेशनल पार्क अगर आप गूगल पर जाके इनको स्पेशली जैस्पर नेशनल पार्क को सर्च करें तो यू वुड सी हाउ मच ऑफ अ ब्यूटिफुल प्लेस दैट इज़ Let's talk about the admission process and eligibility criteria. Eligibility criteria की जब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब आपको क्या क्या चीज़ें required हैं इस मतलब कनाडा में admission के लिए eligible होने के लिए सबसे पहले उसके अंदर आपको IELTS की requirement आती है 6.0 not less than 6 in each module ये आपको required है उसके बाद आप बात करें तो admission to a full time program आपका किसी full time program में admission होना चाहिए उसके बाद deposit 1 year of tuition fee एक साल की पूरी फीस आपने pay करनी है
उसके बाद बात आती है कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन है जो कि रिक्वायर्ड है. इसके अंदर GIC भी रिक्वायर्ड है. इसका मैं बाद में जिक्र दोबारा करूँगा बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स के अंदर, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे. तो उसके बाद आता है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, IELTS, एडमिशन टू अ फुल टाइम प्रोग्राम, और उसके बाद आपका आता है कि डिपॉजिट 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फी. ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं. अब अगर जब हम एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें कनाडा का जो ये जो सारा प्रोसेस है इसको SDS प्रोग्राम कहते हैं, जो कि पाकिस्तान को लेटली उन्होंने उसके उस प्रोग्राम के अंदर ऐड किया. पहले पाकिस्तान SDS प्रोग्राम के अंदर नहीं था, तो लेटली पाकिस्तान हैज़ बीन एडेड टू द SDS प्रोग्राम. SDS स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. ये प्रोग्राम जो है नॉन SDS से थोड़ा ज़्यादा फास्टर है और मोर क्विकर, और इसके अंदर आपको ज़्यादा फाइनेंशियल वर्थ या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं होती. सिंपल एक आपको GIC परचेज करनी पड़ती है, जिसका जिक्र मैं आगे फाइनेंशियल्स में कर रहा हूँ. अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है कनाडा के अंदर. ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट, ठीक है, उसके बाद आपका आती है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी अपीलिंग SOP. SOP के ऊपर आपका एडमिशन बहुत डिपेंड करता है. योर SOP शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी अपीलिंग. उसके बाद आते हैं जी आपके रेफरेंस लेटर्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट हैज़ योर CV. तो ये आपकी CV भी आपके पास होनी चाहिए बनी हुई एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं हम इनको इतना मॉनिटर नहीं करते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं. अब आ जाते हैं जी फाइनेंशियल वर्थ और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर. कनाडा में बैंक स्टेटमेंट एज सच डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए उसका थोड़ा इनका थोड़ा सीन डिफरेंट है. इस जिस तरह अब बात करते हैं हम UK के लिए बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड है 3 to 4 million की. उसके बाद अगर US के लिए रिक्वायर्ड, जिस तरह मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था 5 to 6 million की बैंक स्टेटमेंट का, आप अपने जहन में रखें. तो इसके कनाडा के लिए थोड़ा सीन डिफरेंट है. इसका सीन ये है कि आपको GIC परचेज करनी पड़ती है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं. इसमें होता ये है कि आपको $10,000 कैनेडियन डॉलर्स उनके किसी बैंक में रखवाने पड़ते हैं, और वो आप उन पैसों में से आप 1 रुपया भी नहीं निकलवा सकते जब तक आप कनाडा लैंड नहीं कर जाते. जब आप कनाडा लैंड करते हैं, जब आप जिस बैंक में आपने पैसे रखवाए वहाँ पे आप जाते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप वही हैं जिसका ये अकाउंट है जिसने पैसे रखवाए. आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होने के बाद, पेपर वर्क होने के बाद थोड़े से पैसे आपको उस वक्त इशू होते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द मनी दे इशू यू विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली. तो ये इनका इनकी फाइनेंशियल वर्थ, ये आपको इस तरह ये पूरी करनी पड़ती है. अब इसमें हम बात करते हैं जी कनाडा में इनटेक्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं. जो मेजर इनटेक्स हैं कनाडा में वो हैं जनवरी की इनटेक और एक सितंबर की इनटेक है. बीच में दो माइनर इनटेक्स भी आती हैं, जो एक मई की इनटेक आती है और एक जून जुलाई की इनटेक भी आती है. माइनर इनटेक्स हैं, लेकिन जो मेजर इनटेक्स हैं वो जनवरी हैं और सितंबर हैं. अब इनटेक्स के बाद थोड़ा सा ये भी जिक्र कर लेते हैं कि इनकी फीस रिक्वायरमेंट क्या है. जो अंडर ग्रेजुएट की जो फी है ऑन एन एवरेज स्टार्ट्स फ्रॉम $20,000 एंड एंड्स अप समवेयर नियर $40,000-$45,000 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यू सेलेक्ट एंड कितनी लग्जरियस है यूनिवर्सिटी, कितनी नॉर्मल है. सो इस चीज़ पर डिपेंड करता है. और उसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट की, पोस्ट ग्रेजुएट फी स्टार्ट्स समवेयर फ्रॉम $17,000 एंड गो अप टू $40,000-$50,000. इसमें मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जो एग्जीक्यूटिव MBA इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्सेज इन कनाडा. इसकी फीस कुछ बहुत टॉप क्वालिटी कॉलेजेस में $45,000 $50,000 तक है, ठीक है. तो ये एक वन ऑफ द टॉप एक्सपेंसिव कोर्सेज में आता है, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो $17,000 $30,000 $25,000. इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड ओवर टू अब्दुलरहमान. थैंक यू सो मच. My name is Abdurrahman. If you have any further inquiry, you can contact us and visit us. Our number and address is given in the description. Don't forget to like and share. Thank you.